हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर हम इस क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और इसका ये प्रूफ सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है कि एबीसी एंड एडीसी आर द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस एसी। मतलब एक कॉमन हाइपोटेनस एसी है जिस पर दो राइट एंगल्स बन रहे हैं, एक है एबीसी और दूसरा है एडीसी। तो यहाँ पर एक कॉमन हाइपोटेनस बना लेते हैं जिसका नाम है एसी, और उससे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ऊपर की तरफ बी और एक नीचे की तरफ डी। ठीक है, तो यहां से एक 90 डिग्री बनना है और एक नीचे की तरफ 90 डिग्री बनना है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ए सी ए डी, सी ए डी ये वाला एंगल, और दूसरा दिया है सी बी डी, सी बी और डी। अच्छा, ये पूरा यहां से एक लाइन डाल के ये वाला एंगल। ओके, तो देन आपको ट्राइंगल, आपको ये जो डायग्राम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये आपको दिख रहा है। आपको इसमें दो राइट एंगल जो कि एसी बेस पर बन रही थे, तो एक डी बना लिया, एक बी बना लिया, तो मैंने दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को फॉर्म कर लिया जो कि आपके एक और दो हैं। अब उसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है कि सी ए डी और सी बी डी को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो हमको अब यहां पर गिवन लिख लेना है। सबसे पहले तो गिवन में हमको मालूम है कि हमको ए सी इज अ कॉमन हाइपोटेनस दे रखी है। ठीक है, एंड टू राइट एंगल ट्राइंगल्स दे रखे हैं। आर एबीसी एंड एडीसी। ठीक है, अब आपको मालूम है प्रूफ क्या करना है हमको। तो लिखेंगे टू प्रूफ। हमको मालूम है प्रूफ हमें करना है कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। अच्छा, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया, तो हमको कंस्ट्रक्शन इसमें मालूम है। देखिए, हमको ये लाइन नहीं दी थी, लेकिन हमको ड्रॉ करनी पड़ी बिकॉज ऑफ एंगल की वजह से। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इसमें बी डी। तो ड्रॉ अ लाइन बी डी, बस, और इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो हमको मालूम है कि अपोजिट एंगल्स अगर आपस में 180 डिग्री दिखा दें तो वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करता है। तो यहां पर हमको मालूम है कि एंगल बी और एंगल डी को अगर आपस में देखा जाए तो वो दोनों ही 90+90 है, जो कि कितना होता है 180 डिग्री। और अगर अपोजिट एंगल्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 180 डिग्री को शो कर दें तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहां से बड़ा क्वेश्चन आराम से निकल सकता है हमारा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो चुका है। तो अब इस पे से एक सर्किल ड्रॉ होगा जो कि इसको टच करता हुआ जाएगा। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड हो चुका है। अब यहीं से हमारे आगे का क्वेश्चन निकलेगा। तो क्वेश्चन कैसे निकलेगा कि हमको मालूम है ये सारे की सारे, चाहे वो सी डी हो, चाहे ए डी हो, चाहे ए बी हो, चाहे बी सी हो, सब सेगमेंट को फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन सी डी वाला जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा है ना, वो ये दो ट्राइंगल्स को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सी डी वाला सेगमेंट, और वो ही हमको चाहिए। तो मैं लिखूंगा कि सी डी इज अ लाइन सेगमेंट। देखते जाइए आप, सी डी इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। तो इट इज फॉर्म्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, और सी डी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो देखिए, एक लाइन सेगमेंट एक सेगमेंट को फॉर्म कर रही है, और सी डी को हम लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं और आपका कॉर्ड भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉर्ड भी ये हो सकती है क्योंकि सी डी सर्किल की कॉर्ड भी है।
ठीक है, और कॉर्ड से नीचे वाला रीजन क्या होता है, सेगमेंट होता है, और हमको मालूम है एक थ्योरम की अकॉर्डिंग कि एंगल फॉर्म्ड, एंगल फॉर्म्ड इन अ इन अनी ऑन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल फॉर्म्ड ऑन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो सेम सेगमेंट पर बनने वाले एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहां पर हमको मालूम है कि अगर मैं देखूं सीडी पर, सीडी पर ये सीडी है आपकी, और उस पर बनने वाले एंगल्स जो कि आपको दिख रहे हैं, एक ए ये वाला एंगल सी ए डी, और दूसरा एंगल आपको दिख रहा है सी बी डी, करेक्ट, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहां पर कह सकते हैं कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहीं पर हमारा हेंस प्रूफ्ड होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।